हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? क्या मौज आ रही है? नए व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। तो आज मेरे को आए यहाँ पे 4-5 दिन हो गए और पहली बार यहाँ पे इतनी अच्छी धूप निकली है, पर फिर भी -6 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। कल बहुत ही ज़्यादा बर्फबारी हुई, तो आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं USA में पहली म्यूज़िक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ सिनसिनाटी डाउनटाउन। डाउनटाउन बोले तो कॉरपोरेट एरिया होता है जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे अपना साइबर हब हो गया। मैंने यहीं का कोई लोकल बंदा पकड़ा है जो इंस्टाग्राम पे मुझे मिल गया था। फिलहाल मैंने कैब बुलाई है यहाँ की, ऊबर में जाऊँगा मैं। देखते हैं यहाँ की ऊबर और इंडिया की ऊबर में क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, कैब में हम बैठ गए और जब हम इंडिया में कैब बुक करते हैं तो यूजुअली आती है वैगनआर या डिज़ायर, बट यहाँ पर आई है कोरोला और ड्राइव कर रही है मेरे को जेसिका। तो इंडिया में फीमेल ड्राइवर्स बहुत कम देखने को मिलती है, बट यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। And have you tried Indian food? Yes, the cardiologist that I work for, they came over and cooked a meal for me and my roommate because we had never had Indian food. Oh, okay. And it was like some rice stuff, and I can't, it's been so many, it was like 20 years ago. Oh, okay. But they were really good people. हाँ तो गाइज, हम पहुंच गए डाउनटाउन और बहुत ही बढ़िया लगता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो आज यहाँ पर हम, पहली लोकेशन हमारी है। अभी फिलहाल मैं बंदे को ढूंढता हूँ कहाँ है वो। हाँ तो गाइज, फाइनली मुझे मिल गए हैं जॉय, जो हमारी वीडियो शूट करेंगे। अभी उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। भाई पूरे गेयर वेयर के साथ आए, इक्विपमेंट्स के साथ। अभी आपको दिखाता भी हूँ और मिलवाता भी हूँ। नमस्ते नमस्ते। हाँ तो गाइज, हमने 2 चंक शूट कर लिए वीडियो के। बहुत ही बेसिक इंटरकट वीडियो होने वाली है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ माय बेस्ट वीडियोस जो शूट करिए, क्योंकि एक तो लोकेशन बाहर की है और भाई का काम भी बहुत बढ़िया है। अभी हम जा रहे हैं 3rd लोकेशन पे, जो कि होने वाला है यूनिवर्सिटी ग्राउंड पर। भाई की गाड़ी बिल्कुल जहर है, आपको दिखाता हूँ। मतलब क्या है ये कूड़ा करकट ढेर, कैसे चला लेते हो भाई ऐसी गाड़ी है? कैसे चला लेते हो इतनी गंदी गाड़ी? नमस्ते नमस्ते सर। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये हमारी अगली लोकेशन जो है स्टेडियम, जो FC सिनसिनाटी का होम ग्राउंड है और सिनसिनाटी बेयर कैट्स उसका होम ग्राउंड है। तो यहाँ तो यार मजा सा आ जाएगा। ठंड बहुत है यार, मेरे तो पैर जम रहे हैं, बिल्कुल पैर उठ नहीं रहे। पर फिलहाल मैं चेंज वेंज करता हूँ अगले कपड़े और चलते हैं, दिखाते हैं आपको। बर्फ गिरी हुई है वैसे, आप देखो यहाँ पे कुछ मॉन्टाज। गाइज, यहाँ के शॉट इतने क्रेजी आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं तो मतलब पागल हो रहा हूँ। पता नहीं मैं ज़्यादा हाइप ना बना दूँ और पता चले आप कहो कि क्या ही बना दिया ये, पर सच में भाई का काम जेन्युइनली अच्छा है। मैं कुछ आपको शॉट्स दिखाता हूँ जो हमने लिए हैं। ये मुफारो, yes, we're making magic out here. Could you say something in Hindi? I'll say and you repeat, okay? All right. Just put down your mask for a bit. Say gukutte ka. Gukutte ka. Say gukutte ka achha kaam hai mera. Gukutte ka achha kaam hai mera. Close, it was close. Yeah, it was. It all was. I know is it was. Namaste. Gukutte ka. हाँ तो गाइस, पैक अप हो गया है। How was it like working with me? It was good. It was more. You enjoyed? It was very good. We had a lot of fun. मजा आया कि नहीं गुरुजी? मारिया क्या गुरु? मजा आया कि नहीं गुरुजी? महाना के गुरुजी, I would like to say something to you in Hindi, yeah. So my followers would understand, but you won't. But आपका काम बहुत अच्छा था गुरुजी, मजा आ गया आपके साथ काम करके। नमस्ते। चलो लेट्स गो, अब तुम कुत्ते का खाओ। गुरुजी गुरुजी छा गए तुम, छा गए तुम। लेट्स गो। हाँ तो गाइस, शूट हो गया बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे
OTR एरिया में डाउनटाउन के पास, तो कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट्स ढूंढ रहा हूँ। बढ़िया स्ट्रीट है बहुत ही, पर कोविड की वजह से खाली है सब कुछ। तो आओ मॉन्टाज शॉट एंजॉय करो आप। जगह समझ में आई है द टेस्ट ऑफ बेल्जियम करके, तो अभी पीछे ही है, चलते अंदर कुछ बेल्जियम का खाना खा के देखते हैं कैसा लगता है। आओ चलो। तो गाइस जगह काफी कूल लग रही है और मैंने ऑर्डर करा है वेजी बर्गर, क्योंकि वेज में एक ही ऑप्शन था यहाँ पर, और चिकन आज मैं खाना नहीं चाहता था क्योंकि ट्यूजडे है। तो आने दो फिर। गाइस सरप्राइजिंगली बहुत ही टेस्टी है, मुझे बर्गर्स का ज़्यादा शौक नहीं है पर ये बहुत टेस्टी है, जेन्युइनली टेस्टी है। तो फिलहाल खाना ख़त्म करते हैं फिर आपको बाहर की सैर कराते हैं। तो गाइस बर्गर काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था, आप कभी आओ इधर तो फिर खाना ज़रूर द टेस्ट ऑफ बेल्जियम का वेजी बर्गर था। अब मैं सोच रहा हूँ जब इतना चीट हो ही गया है तो यहाँ की एक फेमस आइसक्रीम होती है वो भी आपको दिखाऊं, तो चलो वहाँ चलते हैं और आइसक्रीम देखते हैं कौन सी बढ़िया, खाते हैं फिर अपना और क्या। मज़ा आ गया, कसम से बता रहा हूँ मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया। कभी आप आओ सिंसिनाटी डाउनटाउन तो इसे ज़रूर ट्राई करो गाइस ज़रूर। हाँ तो गाइस बहुत ही क्रेजी आइसक्रीम खाने के बाद मुझे अपनी जैकेट बदलनी पड़ी क्योंकि इसमें हुडी है और यहाँ पे ठंड इतनी है, मतलब धूप निकली हुई है फिर भी कान जम जाते हैं हाथ जम जाते हैं। अब मैं निकल रहा हूँ वापस घर, मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में। यार इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कुछ तगड़ा दिखाएंगे आपको अगले व्लॉग में यहाँ का। फिलहाल के लिए सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दो, रियल हिट को सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सब कुछ कर दो और लगातार तगड़ा कॉन्टेंट आता रहेगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय।